नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो जो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को ना आपको फुल वॉच करना है ताकि वीडियो एडिटिंग आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको ले चलते हैं सीधे मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, कल या परसों मैं एक वीडियो मतलब कि अपलोड करने वाला हूँ। आप लोगों के मतलब कि जो आप लोग कहते थे, मेरा हर वीडियो में कमेंट आता है कि आप कौन कौन से, आप अपना पूरा मोबाइल का स्क्रीन के बारे में बताइए कि आप कौन कौन ऐप का यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग करने में। तो कल या परसों मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि मैं वीडियो कैसे मतलब एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक सारा का सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन सभी वीडियो को आप देख पाओ एंड समझ पाओ एंड फ्यूचर में आप अच्छे एडिटर बन पाओ। तो चलिए उन बातों को थोड़ा सा आपको साइड कर कर आपको ले चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर। तो सबसे पहले इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले भी कर चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको पिक्सलैब, और उसे पिक्सलैब को आगे सबसे पहले आपको ओपन करना है एंड देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू टेस्ट को ना आपको डिलीट करना है। देन आपको फिर से यहाँ पर प्लस का आइकन है, प्लस के आइकन पर टैप करके फ्रॉम गैलरी में जाना है। एंड आपको एक मैं बात बता दूं यहाँ पे कि जब मैं फ्री फायर या पबजी का वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ महान आत्मा है जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं फ्री फायर के ऊपर कि भाई फ्री फायर चूतिया है, ये है, वो है। तो प्लीज़ भाई आप इन सभी चीज़ों पर मत ध्यान दीजिए, आप एडिटिंग पे ध्यान दीजिए। और यार फ्री फायर के जो मालिक हैं एंड पबजी का जो मालिक है, जो खुद में अपने मतलब कभी दूसरे का बुराई नहीं करता, उनसे ज़्यादा भाई आप लोग फ्री फायर पबजी कर करके अपने में लड़ते रहते हो। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को, सारे गेम अपनी जगह पर है, जो आपको अच्छा लगता है उस गेम को आप खेलें, लेकिन कॉमेंट में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। कल भी मैंने मतलब कल दो तीन दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था फ्री फायर के ऊपर, तो उसमें भी आप लोगों ने मतलब कि फ्री फायर को मतलब गंदे गाली, अरे ज़रूरी नहीं यार आप पबजी को ही मतलब कि यहाँ पर कर सकते हो, क्यों गंदे गाली देते हो यार, ऐसा मत किया करो, समझ रहे हो ना। मतलब फ्री फायर का जो डेवलपर है, जो फ्री फायर ऐप को बनाया है, वो तो खुद अपने में मतलब कि कभी लड़ते झगड़ते नहीं है, और उनसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को हो रही है फ्री फायर और पबजी से। तो ऐसी चीज़ों को आपको इग्नोर करनी है, इन बातों का आप ध्यान, आप बड़े हो गए हो यार, अब एडिटिंग पे ध्यान दो, कुछ सीखो यार, कुछ स्किल सीखो। तो यार अभी भी फ्री फायर पबजी के ऊपर लड़ाई तुम लोग कर रहे हो, तो इसे सबसे पहले तो आपको इसे ऊपर करना है। देन आपको फिर से प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना है। एंड देन आपको यहाँ पे एक कुछ शायरी आपको लिख लेने होंगे इस तरीके से ना, आपको सबसे पहले तो शायरी को लिख लेना है हिंदी में। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड ये जो शायरी है ना, शायरी को थोड़ा ना ध्यान से पढ़िए एंड इसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोचिए। नाम से जलाएंगे उन्हें जिन्हें नफरत है हमसे, इससे अगर इस शायरी को आप ज़िंदगी में यूज करोगे ना भाई, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए कुछ शायरी एडिटिंग के लिए नहीं, कुछ शायरी आपके मोटिवेशन लेवल को हाई करने के लिए भी मतलब कि बनाए जाते हैं। तो शायरी को सिर्फ एडिटिंग के लेवल पे आप मत रखा करो, आप उसे महसूस करो, आप उसे अपनी लाइफ में यूज किया करो। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि मतलब कि अपना फ़ोटो लगा रहे हैं वहाँ पे, सॉन्ग लगा रहे हैं और मज़े से ज़िंदगी बीत रही है, तो कुछ ऐसा नहीं करना। आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ स्किल सीख लिया करो, ऐसे मतलब घर और आपका जो परिवार नहीं चलने वाला है भाई, समझ रहे हो ना। मतलब कि आप लोग क्या करते हो कि एक दो एडिटिंग वीडियो, मतलब कि कोई कोई ऐसे बंदे हैं, मैं अपने तरफ भी देख मतलब देख रहा हूँ बंदों को, मतलब कि क्या करते हैं, मतलब खुद का फ़ोटो एक अपलोड करते हैं, देन आपको वो सॉन्ग एक एटीट्यूड वाला कि आप हमें कोई नहीं कुछ कर सकता, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ ऐसा शायरी में अपलोड करते हैं बस। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना, कुछ स्किल सीखने आप लोग को एडिटिंग से सीखना है। एंड आप चाहते हो कि आप मुझसे कुछ सीख पाओ तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं दो मेहनत में अगर कुछ पार्ट जैसे काउंटिंग होता मेहनत का, जैसे मैं दो मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको ना मेरे से दुगना आपको मेहनत करना है, आपको चार मेहनत करना है इस तरीके से। चार मेहनत तो होता नहीं है, मैं मतलब कि एक एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर मेहनत को काउंट किया जाता तो अगर मैं दो मेहनत करता हूँ तो आप लोगों को चार मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैं एक्सएमएल फाइल यूज करता हूँ, मैं एक्सएमएल फाइल जिस इलाइट मोशन में जैसे क्रिएट करता हूँ, तो आपको इस एक्सएमएल फाइल को ध्यान से देखने एंड समझने हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आप मेरे को ही फॉलो करो, आप मतलब कि मेरे से भी अच्छा ही क्या कहते हैं वीडियो बना सकते हो। इस एक्सएमएल में थोड़ा बहुत चेंजिंग करो, मैं दो इफेक्ट में दो यूज कर रहा हूँ तो आप चार यहाँ पे यूज करो, 4% यूज करो, आप 10% यूज करो, तो थोड़ा बहुत आप वहाँ पे चेंजिंग कर लिया करो। तो चलिए उन बातों को आपको ध्यान में रखना है एंड एडिटिंग की ओर ध्यान देते हैं। तो इसके बाद आपको इस वाले आइकन पे टैप करना है, देन आपको फॉन्ट वाले आइकन पे टैप करना है यहाँ पे। एंड ना यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फॉन्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, जो कि मैं हर पिछले दो तीन वीडियो से इस फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से इस फ्रंट को ले लेना, यांत्रा मानव ब्लैक है इस फ्रंट का नाम। तो इसका लिंक मैं ओरिजिनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या, साइज को इस तरीके से थोड़ा बहुत इंक्रीज आपको इस तरीके से आपको कर लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे ओके पे तो क्लिक कर लेना एंड फिर से आपको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है एंड कलर वाले ऑप्शन पर टैप करना है एंड सारे बड़ को आपको ब्लैक करना है। देन ब्लैक कर लेने के बाद देन आपको इसे होल्ड करके ना ऊपर में जलाएंगे यहाँ पे एंड इसे इस तरीके से एंड यहाँ पे इसे इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको कर लेना है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो और थोड़ा सा चाहो तो साइज को इस तरीके से आप डिक्रीज कर सकते हो। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड इसे अच्छे से आपको एडजस्ट करना है। फिर से आपको प्लस के आइकन पे यहाँ पे टैप करना है एंड टेस्ट में जाना है, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना है। देन ना आपको यहाँ पे आपका जो इंस्टा आईडी है उसका आप नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है इस तरीके से इंस्टा एंड डबल ये वाला देना है एंड टेक जो ऑफिशियल। मेरा जो इंस्टाग्राम जो आईडी था उसका नेम मैंने चेंज कर लिया, पहले जयशंकर 918 था, अब टेक जो ऑफिशियल मैंने कर दिया। देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इतना कर लेने के बाद आपको इसमें ना एक सिंपल सा एक आपको फॉन्ट यहाँ पे यूज कर लेने होंगे। तो इसके लिए तो मैं आपको कोई सा भी एक फॉन्ट आपको यूज करने का सजेशन देता हूँ, कोई सा भी एक अच्छा सा फॉन्ट आपको यूज कर लेना है इसमें से एंड देन आपको ओके पे क्लिक करके ना यहाँ पे अच्छे से इसे एडजस्ट करना है एंड इसमें कलर ऑप्शन पे टैप करके आपको चलो ब्लू कर लेने हैं। तो ब्लू करने के लिए इस साइड, इसे इस साइड एंड इसे इस साइड, देन आपको ओके पे क्लिक करना है एंड आपको 3D शैडो भी इनेबल करना है एंड रिफ्लेक्शन भी आपको इनेबल करना है। तो मेरे हिसाब से जो PNG क्रिएट फुल हो चुका है, मतलब कि पूरा हो चुका है एंड देन आपको इस वाले आइकन पे टैप करके ना आपको एक्सपोर्ट के आइकन पे टैप करना है एंड चाहो तो आप यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चेंजिंग भी कर सकते हो। मैंने फ्री फायर लिखा है, आप यहाँ पे पबजी भी लिख सकते हो, आप क्या कहते हैं और बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पर गेम आ चुके हैं जो आप जो आपको पसंद हो, आपको खेलना पसंद हो, आप उसका भी यहाँ पे नेम यूज कर सकते हो। देन आपको इस वाले आइकन पे टैप करके इसे एक्सपोर्ट वाला आइकन कहा जाता है एंड सेम एज इमेज पे टैप करना है। डायमेंशन आपका डिफॉल्ट होगा, डाउन एरो पे टैप करके इसे अल्ट्रा पर करना है। देन आपको सेव टू, आपको गैलरी आपको कर लेने। तो आई थिंक आपको PNG क्रिएट अच्छे तरीके से, मतलब मैंने जो PNG क्रिएट करके आप लोग बताया जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन अब आपको करना क्या है, लाइट मोशन ऐप को ओपन करना है एंड लाइट मोशन ऐप अभी तो ओपन होगा। अगर आपके पास विदाउट बटन मार्क एंड मोड APK लाइट मोशन नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैंने इस ऐप का लिंक का पिन करके रख दिया, आप वहाँ पर इजीली डाउनलोड कर सकते हो जो कि काफ़ी ईजी है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको दो एक्सएमएल फाइल दे दूंगा। तो एक क्या है, ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग, ये वाला ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग एंड एक है आपका ऊपर में ही होगा HDR इफेक्ट XML, HDR इफेक्ट XML, एक है आपका ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको खुद से एक ना एक प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है जिसमें आपका बैकग्राउंड वाइट हो एंड देन आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना, प्लस के आइकन पे टैप करके मीडिया में जाना है एंड जो आपने PNG भी क्रिएट किया तो उस PNG को इस तरीके से आपको लेने हैं एंड साइज मेरे हिसाब से सही है, एकदम सड़क है इसमें साइज जो है जो एंड देन आपको बैक जाकर ना जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था ट्रेंडिंग वीडियो एडिट, मैंने क्रिएट किया था, आपको इंपोर्ट किया था आप वो XML फाइल, उसमें आपको लेयर पर टैप करके आपको इफेक्ट पर टैप करना है। देन आपको थ्री डॉट का आइकन पर टैप करके ना आपको कॉपी इफेक्ट करना है एंड देन आपको बैक जाना है एंड जो अपने प्रोजेक्ट का क्रिएट किया था उसके लेयर पर टैप करके इफेक्ट में जाना है। देन आपको थ्री डॉट का जो आइकन है आपको थ्री डॉट का आइकन पर टैप करके आपको पेस्ट इफेक्ट करना है। मैं आपको वीडियो प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से एंड ये हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ और शेक इफेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे शेक इफेक्ट लगे हुए हैं। तो ये सॉन्ग के अनुसार लगे हुए हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसी सॉन्ग पे ये मतलब सड़क बैठेगा तो आप ऐसा करो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे मेरा ये जो वीडियो है कितना सेकंड का, 8 या 9 सेकंड का वीडियो होगा, आप इस वीडियो को लो, ये वाला वीडियो होगा, ये वाला वीडियो इधर ही होगा ना, ये वाला वीडियो होगा एंड इस वीडियो में से ना सबसे पहले आपको ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है, देन आपको वीडियो को आपको डिलीट करना है एंड जितना आपका ऑडियो है ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको ना वीडियो को सॉरी PNG को आपको इंक्रीज इस तरीके से कर लेना है। तो मैं ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम को एकदम कम करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे में ही मतलब ये वीडियो सटीक लग रहा है। अगर आप यहाँ पे HDR इफेक्ट दो तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है, मैंने ट्राई कर लिया दोनों चीज़ों को। ऐसे आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो या फिर आपको ना अगर ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे HDR इफेक्ट XML फाइल है उसे आप भी मतलब यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो आप दोनों चीज़ों को वहाँ पे देख लीजिएगा, आप ऐसे एक बार देख लीजिएगा इस तरीके से, देन आपको बैक जाकर ना आप HDR इफेक्ट XML फाइल है इसमें से आपको इसे होल्ड करके कॉपी लेयर करना है, कॉपी टू लेयर, देन बैक जाकर ना आप इस वाले लेयर पर टैप करके आइकन पर टैप करके आपको
इसे ऊपर कर लेते हैं। इस वाले आइकन पे टैप करके आपको पेस्ट टू लेयर करने हैं, देन आपको इसके अकॉर्डिंग ना दोनों को एच डी आर इफेक्ट को ना इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि वैसा ही सही था। अगर आपको लगता है कि ऐसे एच डी आर इफेक्ट पर भी सही लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग मेरे हिसाब से अब हो चुका है, एंड देन आप ऊपर में एक्सपोर्ट का जो आइकन है, एक्सपोर्ट के आइकन पर टैप करके वीडियो को आपको इजीली एक्सपोर्ट कर लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल वाला आइकन है, बेल वाला आइकन को आपको और पे सेट करना है। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और नई एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।